नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के मैथन में फिर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। मैथन थाना क्षेत्र के कालीमाटी मोहल बोना स्थित ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान पर शनिवार की दोपहर नकाबपोश अपराधियों ने केंद्र संचालक को कट्टे से गोली मारकर फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा केंद्र संचालक भमर लोहार को आनन फानन में स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल धनबाद रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर मैथन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की जाँच की, जहाँ कट्टे से मारा हुआ एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बताते चलें कि निरसा क्षेत्र में अपराधी दिनों दिन बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों द्वारा लगातार छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं दिन दहाड़े दुकान संचालक को गोली मारकर फरार हो जाना एक सवाल खड़ा करता है। मैथन में पप्पू केवट की रिपोर्ट। इसमें बैठे हुए थे, अचानक नकाबपोश में 4 से 5 आदमी आया और डायरेक्ट घुसा और हमको बोला कि तुम ज़्यादा ई कर रहा है ना, सिनाजोरी दिखा रहा है। तो हम बोले किससे सिनाजोरी दिखाएं, तब तक वो लोग कट्टा निकाल दिया इतना छोटा छोटा। तो हम देखे सिचुएशन को, उसको पकड़ के छीनने लगे, तब तक दूसरा किसी से निकाला कट्टा और गोली मार दिया। कहाँ पे घटना घटा? मेरा ऑफिस में, कालीमटी मोहल बना में। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? भ्रमर लोहार। कितना लोग थे वो लोग बाइक से? 4 से 5। मेरा ऑफिस में 4 को घुसा और फिर उतना अंधाधुन में देख नहीं सके कि 5 था नहीं, 4 था, इसमें 4 था, इतना पहले से देख। कितना गोली मारा? एक ही गोली। कहाँ पे? जांग पेट से। फिर भाग गया वो लोग? हाँ सर, गोली मार के फिर लात घुसा मार दिया, पेट टूट गया, जिसके कारण हम और लड़ नहीं पाए। क्या नाम है आपका? भ्रमर लोहार।